नमस्ते क्लास, नया सेटअप रेडी किए हैं। क्लास टेंथ की बातें होंगी। ऑलरेडी क्लास टेंथ में हमने एक छोटा सा हिस्सा लाइफ प्रोसेस का कंप्लीट करके बैठे हैं, नाम है उसका न्यूट्रिशन। ठीक, एग्ज़ाम भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिया, वेल डन, अच्छे अटेम्प्ट लिए आप लोगों ने। आगे बढ़ें तो एक बात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि समझो, क्लास साइंस सब्जेक्ट में हमें सालों का एक्सपीरियंस है, हर साल हमने पढ़ाया है साइंस को, तो हमें बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा है कि किस प्रकार बड़े आराम से एवरी कंटेंट को पूरा करते हुए आपके पास हम पहुंचा दें क्लास टेंथ का कंप्लीट साइंस। तो उसके लिए आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो एवरी डे हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो फॉर दैट पर्पस हम अब आपको एक नया अध्याय स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री में जो हमें आ जाता है वो पढ़ा देते हैं हम। स्टार्टिंग में ही आपको साफ साफ स्पष्ट बात कर देते हैं कि हम पूरा प्योर एनसीईआरटी बेस्ड बात करेंगे, ताकि जो पर्पस है आपका सोशल साइंस पढ़ने का, जो पर्पस है कि फ्यूचर में जब एग्ज़ाम्स होंगे तो आप अच्छे से अटेम्प्ट ले सकें आंसर्स को, सम हाउ कुछ नॉलेज मिल जाए आपको, तो उसका हम पूरा ख्याल करेंगे। ठीक, तो हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अपना चैप्टर स्टार्ट किया जाए। हिस्ट्री का हमने पहला चैप्टर लिया है पढ़ाने के लिए, जिसमें हम कंफर्टेबल हैं थोड़ा सा, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक, तो अभी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो दैट बैकग्राउंड चेंज है। ठीक, तो नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हमारा तरीका है कि हम कोई भी वर्ड पकड़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, तो चैप्टर के नाम से शुरुआत किया जाता है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में इन और इंडिया, तो भाई क्या बताएं हम आपको। और रहा बात वर्ड नेशनलिज्म का, तो नेशनलिज्म का हिंदी होता है राष्ट्रवाद। इंडिया का हिस्ट्री हिंदी में पढ़ा जाए बहुत मजा आता है। ठीक, इंग्लिश में थोड़ा सा मजा नहीं आता है, स्टिल हम लिखवाएंगे भी, आपको लिखना होगा। ठीक, पूरा कंप्लीट नोट्स बनना चाहिए। मन में ख्याल आता है कि सर हिस्ट्री बहुत लंबा होता है, बहुत परेशानी होती है, हम इसे छोटा करने का ट्राई करेंगे। तो हाँ, आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है? हालांकि आज के बच्चे नेशनलिज्म का मीनिंग फ्रॉम द फेसबुक, फ्रॉम द व्हाट्सएप, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बट मेरे दोस्त, मेरे भाई, नेशनलिज्म इतना बड़ा व्यापक वर्ड है जिसको आपको ऐसे ऐसे करके नहीं समझाया जा सकता है। हम किताबों की बात करके चलेंगे तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दें, अदरवाइज भारत में राष्ट्रवाद आज के टाइम में अजीब तरीके से नैरेट किया जाता है, तो हम उधर की तरफ नहीं पढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर बुक क्या कहना चाहता है। तो बात भारत की होगी, तो भारत के कंटेस्ट से मिला के बात करते हैं कि नेशनलिज्म को स्मॉल तरीके से, हल्के तरीके से अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, राष्ट्रवाद है क्या, तो कहा जाता है कि कोई भी कंट्री को पॉलिटिकली इंडिपेंडेंसी हो। पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिक्स जो पूरा कंट्री रन कर रहा है उसको अपनी आज़ादी हो। वर्ड आज़ादी नेशनलिज्म के साथ मिलता है, तो हमें आज़ादी हो अपने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी की। जो भी हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फ्री हैं, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। हम बात करें अपने इंडियन कंटेस्ट की, जब अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग, तो उस समय हम लोग काफ़ी करीब का इतिहास पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जब देश आज़ाद होने वाला है। ठीक, तो उस हिसाब में अंत अंत क्या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अंत अंत के हिस्ट्री में हमारे पास पढ़े हुए हैं क्या कि कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन के पड़े हुए थे। कांग्रेस एक बड़ा सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था एट दैट टाइम,
लेकिन उनके ऊपर अंग्रेजों का हुकूमत था, अंग्रेजों का कंट्रोल था। तो नेशनलिज्म का शुरुआत करते हैं कि जो भी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी है अगर किसी कंट्री का हो तो वहां नेशनलिज्म है। ये किताब का कंटेस्ट हुआ। वो कंट्री जिस जो किसी के अंडर में है वहां पर ये बातें स्टार्ट होंगे कि हमें आज़ादी चाहिए। आप आज़ादी को समहाउ कोरिलेट कर सकते हैं वर्ड नेशनलिज्म से फिलहाल के लिए। तो कोई ऐसा कंट्री, कोई ऐसा कंट्री जो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंसी नहीं दिखाता है तो वहां नेशनलिज्म की बातें होनी शुरू हो जाएंगे। ठीक, वो कंट्री कुछ कुछ कीवर्ड, वो कंट्री जो आज़ाद नहीं है, किसी दूसरे कंट्री पर, कंट्री का उस पर राज है, तो वो कंट्री जो राज करता है अंग्रेज मदर कंट्री के नाम से जानी है, मदर कंट्री। और वो कंट्री जिसके ऊपर किसी का राज है भारत, उसे कॉलोनीज कहते हैं, कॉलोनीज, उपनिवेश। ठीक, तो इतना सारा बात को मिला के एक वर्ड में कह दे व्हाट इज नेशनलिज्म, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी को कहा जाता है नेशनलिज्म। तो आप कॉपी खोलेंगे और लिखना भी शुरू करेंगे, लिखिएगा, हम लिख लिख के भी लाए हैं, आपको फटाफट लिखवाएंगे भी, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। तो नेशनलिज्म डैश बिलीफ इन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री, ब्रैकेट में कॉलोनीज, COLONIES, कॉलोनीज का हिंदी उपनिवेश। आपको समझने के लिए भारत, भारत एक उपनिवेश, भारत एक कॉलोनीज है जो ब्रिटिश, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर में आता था। टर्न हो गया, चैप्टर का शुरुआत कर गया नेशनलिज्म। अब हम आपको पूरा पूरा सिलेबस समझाते हैं कि अपने इस क्लास टेंथ के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में हमें कहाँ का इतिहास पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है समहाउ अराउंड 1920 के आसपास का हिस्ट्री हमें पढ़ना है। क्या क्या बातें हो रही थी उस समय, क्या क्या सिचुएशन था उस समय, कौन मेन रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में बातें करेंगे हम लोग। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग दे सकते हैं, काफी लोग डिस्टर्ब कर रहा है आज। हिस्ट्री हेडिंग दीजिएगा, हिस्ट्री ड्यूरिंग द 1920s एंड ऑनवर्ड्स, 1920 और उसके आसपास का हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक, स्मॉल वीडियो बनाएंगे आज स्टार्टअप के लिए कि आपका कमेंट सेक्शन में आपके आपके थ्रू कमेंट भी चाहिए कि क्या ठीक से जा रहा है ना, करा सकते नहीं करा सकते, थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी है तो ज़्यादा लंबा लेके जाएंगे नहीं फिलहाल। हेडिंग रहेगा हिस्ट्री ड्यूरिंग द 1920s एंड ऑनवर्ड्स। आइए तो हम बात करते हैं 1920 के आसपास में ऐसा क्या था जो नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे कि ड्यूरिंग व्हाट वाज द कंडीशंस ड्यूरिंग 1920s। तो हम इतिहास जो है हमारा 1913 से लेके 20 तक लगभग 5-7 सालों के अंदर में इंडिया का सिचुएशन कैसा है, वहाँ के लोग नेशनलिज्म आपके लिए क्या बोले हैं। नेशनलिज्म बोले तो आपके मन में आज़ादी, तो आज़ादी के लिए वहाँ के लोगों को उधर का सिचुएशन कैसे प्रभोग करता है, इसके बारे में सवाल उठते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अराउंड 1920 में कंडीशन क्या था। नहीं, फिल्म का भी शुरुआत होता है, साउथ का फिल्म देखे होंगे, फिल्म का शुरुआत होता है साउथ में, तो पहले गाँव का सीन आता है, वहाँ पे कुछ बातें होती हैं, कोई ठाकुर होता है, जुल्म करता है, मारपीट करता है, लोग त्राहिमम कर देते हैं, तब जाकर कोई हीरो एंट्री मारता है। ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसा ही कुछ समझ के देखिए तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम सिचुएशन की बात करते हैं, सिचुएशन क्या था अबाउट 1920 में। अगर हम पहला सिचुएशन की बात करें तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पूरा दुनिया वॉर में चल दिया था, ग्रेट ब्रिटेन भी उसमें गया था। पहले के कंट्री कई सारे कॉलोनीज इसलिए बनाते थे कि कोई भी खराब से खराब बातें हो हम लोग कॉलोनीज से काम चला लेंगे। जो हमारा कॉलोनीज है, अंग्रेज सोचे थे कि जो भी खर्चा वर्चा आएगा, युद्ध लड़ने में खर्चा आता है भाई, वो सब कौन देगा, कॉलोनीज देंगे। गुलाम किस लिए बनाए हैं, कि उनको चूस सकें। ठीक, तो भारत ने, तो भारत अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लालच दिया सारे भारतीयों को कि देखो भारतीयों, इंडियंस, आप समझो ये बात को कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, चलिए लड़ाई किया जाए, आप फुल सपोर्ट कीजिए, वर्ल्ड वॉर हमें जीतने दीजिए और आपका देश आज़ाद। सब लोग मोटिवेटेड हो गए, वेरी गुड, युद्ध तो लड़ना है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन चलेगा, उससे अधिक उन लोगों ने कभी देखा नहीं था।
तो लोग लड़ने में चले गए। लेकिन आप सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो भाई साहब एपिसोड पे एपिसोड बनने लगा, लंबा खींचने लगा, लोग त्राइमम त्राइमम करने लगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण इंडिया का सिचुएशन समझिए। की पॉइंट नंबर वन कि वॉर के लिए पैसे की जरूरत है, पैसा गवर्नमेंट पैसा कहाँ से अर्न करेगा। तो लोगों पे टैक्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जो भी टैक्स लगता था वही देने में परेशानी थी। लगान दोगुना लगान तिगुना लगान लगेगा, लगान में था तो वो लगाना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों को तकलीफ बढ़ा, पिंच हुए लोग कि ऑलरेडी जो लगान लगता था वो हम दे नहीं पा रहे हैं, और बढ़ा दिया सब। लोग कह रहे हैं ऑफ, परेशानी देखिएगा परेशानी कैसे बढ़ता है, ऑफ। नंबर टू, लगान के अलावा और पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, अंग्रेजों को। तो उन लोगों ने जो भी जरूरी जरूरी चीज़ें थी उस समय उस पर उसके दाम बढ़ाना शुरू कर दिए। और लोगों ने कहा ओफ बाप रे तकलीफ, यानी घर में जो पैसा था वो लगान के रूप में लेके भाग गया। अब जो जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए थोड़ा बहुत जो बचा कर रखे थे वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं, घर में काफ़ी तकलीफ चल रहा है। और तीसरा काम अंग्रेजों ने क्या किया, पॉइंट समझिएगा, पॉइंट तीन पॉइंट, तीसरा काम अंग्रेजों ने क्या किया कि जबरन भर्ती करने लगे। अब युद्ध पे पैसा लड़ने थोड़ी जाएगा, आदमी जाएगा, आदमी कौन अंग्रेज जाएगा, अंग्रेज गुलाम का ही बना कर रखा है। घर पे मार और हो तो हमने चार पांच गुंडों को क्यों पाला है, जाओ भाई जाके तुम लड़ाई करो हम देखेंगे। तो पहले तो लोग स्वेच्छा से अपने मन से जाना स्टार्ट कर दिया कि चलो लड़ लेते हैं वहाँ पर, कहीं देश को आज़ादी मिल जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको समझ में आ गया कि भाई देश मतलब ये युद्ध समाप्त होने वाला है नहीं, निपट जाएंगे हम लोग तो भाई लेके क्या करेंगे आज़ादी। तो लोग कतराने लगे, तो अंग्रेज उसके बाद क्या करें, गाड़ी लेके आते थे बड़ा सा, जैसे आज के टाइम में कुत्ता पकड़ने वाला गाड़ी आता है बड़ा सा, और उसमें भर भर के लेके चले जाता है सब। तो गाड़ी लेके आते थे, गांव गांव में घुसते थे, जो भी दिखाई दिया यंग जवान उसको पकड़ा कि चल भाई लड़ाई करने, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट स्टार्ट, जबरन भर्ती। इससे तो उस घर में, उस घर का स्थिति सोचो जहाँ पर पैसा जो था लगान में लेके भाग गया सब, और उसकी स्थिति देखो कि जो पैसा था जरूरी सामान खरीदने में कंप्लीट ख़त्म हो गया, और जो कमाने वाला था उसी को उठा कर ले चला गया सर, कहाँ लोहा लेने के लिए, फाइट करने के लिए। ठीक, तो ये तीन पॉइंट हम आपको लिखवा भी देंगे, फटाफट लिखना भी है आपको, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस प्रकार नेशनलिज्म को प्रवोक करता है, कई प्रकार के सवाल आएंगे, जवाब तो एक ही टाइप का होता है। तो कॉपी खोलेंगे फटाफट लिखेंगे, हेडिंग दे चुके हैं आपको कि हिस्ट्री ड्यूरिंग द 1920 एंड ऑनवर्ड्स। तो आगे बात करेंगे, एक अलग पॉइंट लिखेंगे, सिचुएशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1913 to 1920, 1913 से 1920। उसमें पहला पॉइंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डैश, हम तीन पॉइंट लिखवाते हैं, यही आपको कीवर्ड याद करना है, बाकी जो भी बात करो तो कहानी सुना रहे हैं, कीवर्ड यही इतना ही याद करना है। पहला, इंक्रीज द ड्यूटीज और टैक्सेस। नंबर टू, प्राइसेस ऑफ नेसेसरी थिंग्स आर इंक्रीजेस। नंबर थ्री, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फॉर वॉर, हिंदी में आप जबरन भर्ती लिख सकते हैं, आप पॉज करके लिखिए, हमको जल्दी से खत्म करना है। ठीक, आप पॉज कर दीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक, तो उस घर की स्थिति समझो जो काफ़ी तकलीफ में चल रहा है। हम लोग फिल्म बना रहे हैं, फिल्म साउथ का फिल्म बन रहा है, पहले हमको पूरा सिचुएशन दिखाना है, क्या काफ़ी ख़राब है, बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी हरासमेंट टाइप का बजना चाहिए। ठीक, तब ना कोई हीरो एंट्री मारेगा। तो ये तो हो गया अंग्रेजों का जुल्म ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग द 1920s। उसके बाद अंग्रेज जुल्म कर ही रहे थे, ऊपर वाला भी जुल्म करना स्टार्ट कर दिया, ऊपर नेचुरल डिजास्टर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट। अब नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, नेचर भी तकलीफ करना शुरू कर दिया, जैसा आजकल अपना नेचर का चल रहा है कोरोना, उधर भी था, कई कई जितने सारे फसल लगाए थे किसानों ने, अपना भारत पहले भी कृषि प्रधान था, आज भी कृषि प्रधान है, तो जितने भी क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, क्रॉप फेल्ड हो गए। खाली बच्चा ही फेल नहीं होता है, क्रॉप भी फेल होता है। तो क्रॉप बहुत सारे फेल हो गए, बहुत सारे क्रॉप फेल हो गए, बीघा बीघा जमीन बेकार पड़ गया। अब सोचो जिस फसल को बेचकर ही पैसा कमाना था वो फसल समाप्त हो चुका है, प्लस अब पैसा है नहीं है, और अंग्रेज कह रहे हैं कि लगान दो, कहाँ से देगा, फसल है ही नहीं, सामान खरीदना है, पैसा ही नहीं है, कहाँ से करेगा। तो लगान चुकता नहीं कर सकते हैं, तो हर जगह
क्रिकेट मैच नहीं हो सकता ना, वो आमिर खान वाला हर जगह तो मैच खेल खेल के नहीं जीतेगा सर, तकलीफ है, मारपीट सब चलेगा, आएगा अंग्रेज नहीं दे पाओगे तो अंग्रेज क्या करेगा, पिट में नहीं करेगा, अब पिटेंगे तो आदमी को ख़राब लगेगा। फिल्म देखते नहीं, एक झापड़ मारा, दो झापड़ मारा, तीन झापड़ मारा, उसके बाद भाई साहब दूसरे रूप में आता है। तो अब नेचर भी यही कर रहा है कि जब तक कस के पिंच नहीं किया जाए आदमी का अंदर का ओरिजिनल बाहर निकलता है। ठीक, तो अंग्रेजों का जुल्म, अब हम बात कर रहे हैं नंबर टू, दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड का इफेक्ट नहीं, अब बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर। नंबर वन क्रॉप फेल्ड, लिखना भी है आपको, नंबर टू दे दीजिए नेचुरल डिजास्टर डैश नंबर वन क्रॉप फेल्ड। नंबर टू, उधर भी एक बीमारी चला था, इपिडेमिक, अपना कोरोना पैंडेमिक है, पैंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड, इपिडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी खतरनाक, इपिडेमिक कौन सा, तो इन्फ्लुएंजा, प्लैग समझ लो, इन्फ्लुएंजा, लाखों लोग मर गए, लाखों लाखों लोग मर चुके, इतना कस के बीमारी महामारी के रूप में फैला कि लोग धप 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 विकेट गिरने लगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हम लिख रहे हैं ना नेचुरल डिजास्टर डैश क्रॉप फेल्ड, दूसरा पॉइंट इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ब्रैकेट में 12 to 13 millions, 12 से 13 मिलियन पीपल डाइड, मर गए, एक मिलियन में 10 लाख होता है, 12 मिलियन 120 लाख लोग मर गए, अभी तो अपना विकेट 5-6 हज़ार गिरा है तो काहे का महामारी। उस समय सोचो 5-6 हज़ार लोग मर चुके हैं तो कितना पैनिक है लोग, उधर सोचो लाखों लाखों लोग मर गए, सोचो अब इंडिया का सिचुएशन, पूरा ट्राई ही करने की कोशिश कर रहे हैं कि 5-7 साल के अंदर भारत में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं जो लोगों को हिला के रख दे रहा है, लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, तम साउथ का इनिशियल फिल्म बन चुका है, ठाकुर परेशान कर रहा, अंग्रेज परेशान कर रहे हैं, नेचर परेशान कर रहा है, लोग कष्ट में कर रहा है, हे भगवान, जब बहुत तकलीफ होता है तो माँ बाप का मुंह से ना निकलता, ऊपर वाले देखते हैं भाई हे भगवान कोई तो कुछ करो, इस तकलीफ से दूर कराओ, घर में खाने को नहीं है, अंग्रेज लगान मांगने आ रहा है, घर में खाने को नहीं है, पैसा मांगने आ रहा है, खाने के लिए मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए तो इतना पैसा लेता है खाने का कि मेरे पास उसे खरीदने को नहीं है, जो घर में जो मेल था, मेल देहात से बरियार था, जो जाकर खेत में काम कर सकता था, कुछ कमा कर सकता था, उसको उठा कर ले चला गया किसान, सॉरी अंग्रेज लड़ाने के लिए, पता नहीं जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा। और रहा खासा घर में जो एक दो लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, वो लोग निपट गए महामारी बीमारी, मर गए, तो उसके घर के अंदर जो 2-3 लोग होंगे तो उनका माथा एकदम खराब हो गया होगा। तो उस समय सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम, भाई साहब अब हो गया बैकग्राउंड, कि उस समय लोग कह रहे अब कोई तो आए। देखो देखो ऐसा है, शुरुआत से कष्ट होता है ना, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग हे भगवान करो ना ठीक, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, आप करा लो, वो ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हे भगवान उस समय लोग करे, कोई तो आए हीरो एंट्री करे और इसको ठीक ठाक करे। साउथ फिल्म में तभी ना होता है, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो धुआं हुआ निकलता है, उसमें से हीरो एंट्री मारता है। इसी समय जब ये सिचुएशन हो गया था इंडिया का, इन दिस टाइम इंडिया में एक ऐसा नायक आता है, एक ऐसा हीरो एंट्री मारता है कि वो अंग्रेजों से लोहा लेने का जो कंसेप्ट है बिल्कुल बदल के रख देता है। और आप सबको पता है कि वो नायक कौन था, वो नायक थे गांधी जी। गांधी जी का एंट्री किताब लेके आता है, एट दिस टाइम एक ऐसा आदमी आता है इस वॉर में, इस नेशनलिज्म, इस आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा आदमी आता है जो लड़ाई करने का तरीका ही बदल देता है और भारत का एक नया चैप्टर लिख देता है। लिखिएगा इस पॉइंट को, हम फिर से बता देते हैं, कोई हबड़ा घबड़ाएगा नहीं, हमारा फ्रेश हेडिंग था ड्यूरिंग 1920, उसमें था 1913 टू 1920 में क्या क्या हुआ। नंबर वन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट, 3 पॉइंट, फिर नेचुरल डिजास्टर 2 पॉइंट, अब लिखेंगे उसके बाद, एट दिस टाइम वन मैन केम एंड ही चेंज्ड द वे ऑफ स्ट्रगल, द वे ऑफ स्ट्रगल एंड क्रिएट न्यू चैप्टर ऑफ इंडिया, एंड क्रिएट न्यू चैप्टर ऑफ इंडिया। हम अपने नोट्स की कनेक्टिविटी के लिए ये पॉइंट लिख रहे हैं, किसी एग्जाम में लिखा जाता है, आपको ये बात समझना चाहिए आपको, ठीक है।
तो वो कौन है एक आदमी जो उसने बदल कर रख दिया, उसका नाम है मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। हेडिंग रहेगा मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। इनके बारे में भाई साहब इतिहास तो सबको जानता है, नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाने में मजा आता है, सब लोग ऑलरेडी जानता है, सिर्फ रिलेट करने की बातें होती हैं, पूरे चैप्टर को समराइज करने की बातें होंगी। तो आइए थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में बात करें। गांधी जी ठीक ठीक किताबों के द्वारा ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वही लेना चाहिए। और लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, आजकल तो इन्वायरमेंट पता नहीं कैसा हो चुका है। फिलहाल हम उतना हम लोग डिस्प्यूट में नहीं जाएंगे, हम लोग कट टू दी पॉइंट बात करते हैं। गांधी जी का भी तो थोड़ा सा मैंने हीरो ने एंट्री मार दिया तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी लेके जाता है ना, साउथ में अक्सर ऐसे ही होता है, हीरो एंट्री मारा, दो हाथ पैर तोड़ा, फिर फ्लैशबैक जाता है कि आखिर ये यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो आइए गांधी जी के बारे में बात करते हैं, यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो बात करते हैं गांधी जी बहुत पहले की बात है, बहुत बड़े आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, बैरिस्टर थे, वकालत कर रहे थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी। गए थे साउथ अफ्रीका शायद, हाँ साउथ अफ्रीका गए थे, किताब से बाहर की बात हो रही है, ऐसे ही जानकारी एक ब्रेक आया है सुनो कि गए थे साउथ अफ्रीका ठीक। उनके साथ होने वाला इंसिडेंट पे गौर करना, थोड़ा ये भी देखना कि एक ह्यूमन बींग का अंदर का क्वालिटी या ओरिजिनलिटी कि रियलिटी में वो क्या है, आप क्या हैं, जब तक आप इसमें से निकाला नहीं जाए शायद आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, जब तक आप में से निकाला नहीं जाए ना। तो कई लोगों में छुपा रहता है कोरोना वायरस, कई लोगों में अभी गोपालगंज में छुपा हुआ है, अंदर है, चेक करा लो, 50% लोगों को ना निकल गया तो बोलना। हाँ जब तक पकड़ के निकाला नहीं जाए तब तक शायद आपको कोरोना नहीं है ठीक। समझिएगा कहाँ से कहाँ बात रिलेट कर दिया। गांधी जी के बारे में बात करते हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, कुछ इंसिडेंट पे गौर कीजिएगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, पैसे वाले आदमी थे, वकालत किए हुए थे, उन्होंने ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, टिकट कटा लिया, पैसा था, फर्स्ट क्लास का टिकट कटा लिया, पैसा लेके पहुंच गए ट्रेन में, डिब्बे में जाके बैठ गए फर्स्ट क्लास कोच में। साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम चल रहा था गोरा और काला का, हम इंडियंस गोरे नहीं हैं, कितना भी गोरा होगा लेकिन हम लोग उनके कंपेयर में, उनके अंग्रेजों के कंपेयर में काले ही हैं ठीक। कितना भी फेयर एंड लवली लगा ले, क्रीम पोत ले, हम लोग गोरे नहीं हैं ठीक। तो गांधी जी भी कुछ खास गोरे नहीं थे ठीक। तो गांधी जी काले के कंसेप्ट में चल रहे थे वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, गोरा और काला, व्हाइट एंड ब्लैक का काफ़ी मगजमारी था, बहुत तकलीफ था। तो गांधी जी इस बात से अनजान मासूम बेचारे चले गए ट्रेन में, जाके बैठ गए फर्स्ट क्लास बोगी में, टीटी आया, कहा यहाँ तुम कैसे बैठ गया है। तो गांधी जी बोले अरे हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमने टिकट कटाया है, देखो ऊपर से वकालत किए हैं, कानून जानते हैं, टिकट लिए तभी तो बैठे हैं, आप टिकट दिखाया। टीटी ने कहा ना, यहाँ पढ़ा लिखा बात लॉजिकल से भी ऊपर बात चलता है, आपको यहाँ नहीं बैठना पड़ेगा, आपको आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी, कहें हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हम तो कानून बात करेंगे, कानून ज़्यादा बात किए, उठा के गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया सर। पहला धक्का लगा, फ्लैशबैक में बिजली भी कड़का होगा बैकग्राउंड में ठीक। गांधी जी को बुरा लगा, उनको समझ नहीं आ रहा था, लॉजिकल आदमी थे, कानूनी आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, तो पढ़ा लिखा आदमी लॉजिकल बात करता है कि जब पैसा वैसा मेरे पास था ही, जब टिकट लिए तो मुझे फेंका क्यों सब बाहर ठीक। बेचारे परेशान हो गए, अब सामान वामान बटोरे परेशानी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ते जाना था कहीं पर तो सामने टमटम लगा हुआ था, तो टमटम पे जाके बैठ गया, वो भी कहाँ बैठ गए, आगे बैठ गए। जो चला रहा था वो बोला कि नहीं बैठो यहाँ पर, वो बोला भाई अब कैसा लॉजिक है, पैसा ले लो यहाँ बैठते हैं, तो बोला नहीं आपने यहाँ नहीं बैठ सकते, आपको पीछे बैठना पड़ेगा, थोड़ा नीचे बैठना पड़ेगा, आगे बैठेगा तो थोड़ा ऊपर बैठ जाएगा जो आपके लिए नहीं है। गांधी जी कहे फिर हम तो कानूनी आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने कानून झाड़ा, टमटम वाले ने उठा के उनको वापस दोबारा फेंक दिया रोड पर, दूसरा बार बैकग्राउंड में बिजली कड़का, गांधी जी को फिर बुरा लगा कि अभी हो क्या रहा है मेरे साथ, ये लॉजिकल बात हो रहा है, बेचारे मासूम उनको नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, उनको बुरा लग रहा था, किसी को एक झापड़ मारो पड़ाक से तो उसको बुरा लगता है भाई, थोड़ा मंथन करता है कि मार क्यों दिया भाई, एक झापड़ और लग चुका है, बेचारे फिर सामान उमान बटोर के फिर चलने लगे कि अब भाई जाना तो है कैसे जाएं, तो चल रहे थे रोड पे चलने गए, रोड में भी कंसेप्ट था, रोड थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे था ठीक, थोड़ा ऊपर भी होता फुटपाथ टाइप का ऊपर, अब बाकी थोड़ा नीचे, तो जो गोरे थे ऊपर चलते थे, जो काले थे नीचे चलते थे,
गांधी जी बेचारे तो शौक में है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो बेचारे ऊपर चल रहे थे, चलते चलते गए, सामने एक आदमी मिला, फिर बोला तुम यहाँ नहीं चल सकता है। गांधी जी हद कंफ्यूज कि भाई भाई ये हो क्या रहा है, ट्रेन में नहीं बैठने दे रहा है सब, टमटम पर नहीं बैठने दे रहा है सब, रोडों पर नहीं चलने दे रहा है सब। तो बोले गांधी जी फिर उस आदमी से, भाई हम कानून जानते हैं, बात जानते हैं, पढ़े लिखे इंसान है, कानून झड़ना फिर स्टार्ट किए। तो फिर उठा के उन लोगों ने उठा के नीचे फेंक दिया। भाई साहब अब बिजली नहीं कड़का था, गांधी जी के मन में कड़क गया कि अब बहुत हो गया, अब कहीं नहीं जाएंगे हम, ये तो सरासर अत्याचार है। उनके अंदर से उनकी आत्मा झंझोर गई और उस दिन गांधी जी के अंदर से कुछ वो चीज़ निकल के आया जो शायद दुनिया देखा उसके बाद। एकदम परेशान हो गए हम, तो कहे अब ना 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 ये बर्दाश्त नहीं होगा, हटाओ बैरिस्टर मेरा, हटाओ ये नॉलेज, ये मेरा कानून सब बेकार है। जब एक आदमी सिंपल सा एक आदमी अपना छोटा मोटा राइट्स नहीं ले सकता है तो क्या फर्क पड़ता है पढ़ लिख कर। फेंक दिया उन लोगों ने, वहाँ के लोगों को एकत्रित किया और कहा कि इसका तो विरोध होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। अब गांधी जी का फोटो तो तुम लोग देखे होगे, कोई विशेष तो बॉडी बिल्डर थे नहीं, तो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने नया कंसेप्ट निकाला कि देखो भाई विरोध तो करना लेकिन मारपीट नहीं करेंगे। मारपीट में इंडियंस वी आर इंडियंस, काफ़ी शांति से रहने का अपना हिस्ट्री है, भले बदलना दूसरा बात है। तो गांधी ने कहा कि हम लोग मारपीट नहीं करेंगे भाई, ठीक, प्रेम से जाएंगे, उनके सामने खड़ा होंगे, भाई ये कौन सा जाति है, मेरे पास पैसा है तो बैठने ना दो हमको ऊपर, मेरे पास पैसा नहीं होता तो नहीं बैठते, क्या फर्क पड़ता है आपको, छोड़िए। तो इसी बात को लेकर शांति से, नॉन वायलेंस, अहिंसा, बिना हिंसा किए हुए अपनी बातों को मनवाने का स्ट्रगल उन्होंने शुरू किया। एक दो साल उन्होंने स्ट्रगल किया और जाते जाते करते करते काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे बदलाव ला दिए गांधी जी। लोगों को ये बहुत पसंद आया कि गजब का एक बाहर से इंडियंस बाहर से आया है और हमारे लिए लड़ रहा है। वहाँ के लोगों का भरपूर प्यार मिला उनको और एक साल दो साल के अंदर उन्होंने वहाँ पे क्रांति ला दिया, ठीक, वर्ल्ड फेमस हो गए गांधी जी। सडनली गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि ये तो दूसरे देश का प्रॉब्लम था, हमारे देश में तो भयंकर आपदा चल रही है, वहाँ तो अलग परेशानी चल रहा है अंग्रेज़ों का, चलो वहाँ पर भी अपने देश के लोगों के लिए, अपने तो अपने होते हैं, अपने लोगों के लिए भी कुछ किया जाए, ठीक। तो तब गांधी जी का मूड आया और आए इंडिया में। हालांकि जो भी सब बातें कहें तो सिर्फ एक कहानी के रूप में बोले हैं कि आपके मन में एक बैकग्राउंड बने, ठीक। तो हम लोग अभी तक छोटा सा बात निकला है, देखिएगा 5-7-8 वीडियो बन जाए लेकिन कंटेंट बहुत छोटा होता है, ठीक। इसी बात को आपको ख्याल करके पढ़ना होता है, इसी बात को समझ के पढ़ना होता है, ठीक, आसान बात बोल रहे हैं। तो अभी तक हम आज के क्लासेस में आपको क्या बताने की कोशिश किए कि 1920 का हिस्ट्री पढ़ना है हमें, शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वार और नेचुरल डिजास्टर से किया गया। उस समय एक ह्यूमन बीइंग आता है जो पूरे इस लड़ाई के तरीके को बदल देगा, उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अब हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, गांधी जी के उसूलों के बारे में, गांधी जी ने कैसे स्टार्टअप किया अपना आंदोलन, फिर कैसे कैसे वो आगे बढ़ते चले गए और ये चैप्टर भी धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक। होपफुली आपको ये मेरा पहला वीडियो ऑन नेशनलिज्म इन इंडिया शायद पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो थोड़ा सा कमेंट करो सब यार, बोलो सब कि हाँ सर अच्छा है और कैरी ऑन। अरे कुछ तो मोटिवेट करो सर, कुछ बोल बोलकर, ठीक। खुद ही चुटकुला सुनाना पड़ रहा है, खुद ही हंसना पड़ रहा है, तुम लोग हो भी नहीं, ठीक। तो बहुत है, काफ़ी है, पहला प्रयास किए हैं, नए तरीके से वीडियो बना रहे हो, सकता कहीं रिकॉर्ड भी नहीं हुआ हो, बहुत ख़राब लग जाएगा, फिर अंदर से बिजली कड़क उठेगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक। आगे क्योंकि आज बहुत डिस्टर्बेंस में आज वीडियो बनाए हैं, फिर भी बहुत है, ठीक। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपलोड के लिए। पूरा प्रयास करेंगे कि पर डे हम आपको ये दें ताकि आप हिस्ट्री है ना, ज़्यादा दिन बीच एक दिन भी रोक देंगे बीच में ना तो आप शायद टूट जाएगा। तो पर डे आपको मिलते जाए, हमारा टारगेट पूरा होता है। धन्यवाद।